अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फेसबुक के पेज के बारे में कि अगर आप फेसबुक के पेज के अंदर ऐड अ बटन के ऑप्शन को हटाकर फॉलो का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इधर यहाँ पर फॉलो का बटन एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर मौजूद एक मोर के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जिस तरह मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे आ जाना आपने, यहाँ पर आपको ऐड अ पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद सबसे नीचे आ जाना है आपने, यहाँ पर आपका वीडियो पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको फॉलो, लाइक, शेयर, सेव वगैरह के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने अप्लाई टेम्पलेट्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर आपने कर देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग दोबारा से फेसबुक पेज पर जाते हैं, यहाँ पर आपने होम के इस ऑप्शन पर आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि आपने रिफ़्रेश करते हैं अपनी फेसबुक को। जिस तरह होम के मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी फेसबुक का जो पेज है, होम पेज है, वो रिफ़्रेश हो जाता है। यहाँ पर दोबारा से हम थ्री लाइन पर आते हैं, अपने पेज पर आते हैं और देखते हैं कि बाकायदा तौर पर हमारा फॉलो का ऑप्शन एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फॉलो का ऑप्शन एक्टिव नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से बाकायदे तौर पर अपने फॉलो का ऑप्शन एक्टिव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।